आज मैं करने वाली हूँ व्लॉग। बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट अ हेक्टिक डे इन माय लाइफ, अ हेक्टिक डे इन अ लाइफ ऑफ सीएस। मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है क्योंकि क्या पता, ठीक है। सो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ एंड मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का सुबह घर से निकल के एंड ऑल, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए थे एंड लेट हो चुकी। लाइक अभी 11:30 हो रहा है, मैं 11 तक ऑफिस पहुँची थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले ऑफिस पहुँच के क्या करती हूँ, ठीक है। सो ऑफिस पहुँच के ही हमको ये हमारी सौतन, इसमें हमको क्लिक करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं आ चुकी हूँ। ये हमारा अटेंडेंस टाइप होता है एंड देन इनको मैं गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। ये अक्षता है जो मेरे पीछे बैठती है, कभी कभी एज अ रिसेप्शन भी शी इज़ अवेलेबल। सो येस, एंड सीधा मैं अपने डेस्क पे जाती हूँ। फिलहाल तो मेरा डेस्क पूरा बना बनाया है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं आ चुकी थी। तो आके सबसे पहले मैं बैठती हूँ, फिर मेरा लैपटॉप ओपन करती हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप। उसके बाद मैं मेरा जो पानी का बॉटल रहता है वो सब निकालती हूँ, सब सेट वेट होती हूँ। मैंने एक्चुअल में बॉर्नविटा भी पी लिया था, मैं आके बॉर्नविटा भी पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बॉर्नविटा। एंड उसके बाद मैं मेरा टिफ़िन एंड ऑल सब निकालती हूँ और फिर मैं मैम हम सब बैठते हैं, मिलके डिस्कस करते हैं कि आज हम लोगों का क्या टास्क है, आज हम लोगों को क्या टास्क कंप्लीट करना है। बाय द वे इसमें मैं मेरा टिफ़िन लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ये इसमें लेकर आ चुक गई हूँ टिफ़िन। और मैं कल का टिफ़िन भूल गई थी तो बहुत सारा टिफ़िन हो गया मेरे डेस्क पर। बट येस, दिस इज़ हाउ माई डेस्क लुक्स। एंड ये स्नेहल का डेस्क है पर स्नेहल आज नहीं आई है बिकॉज उसको फीवर है। सो जैसे कि मैंने कहा आज स्नेहल नहीं आई है तो वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेरे ऊपर। स्नेहल की तबीयत एक्चुअल में ख़राब है तो बहुत कुछ अभी इस मोमेंट पे कंपनी में हो रहा है। कल है गणपति तो कल तो छुट्टी होगी, ऑफिशियल छुट्टी होगी, बट घर से तो हमको काम करना ही है। तो आज ही मेजर ऑफिस वाला काम हमको कंप्लीट करना है। देन तो मैंने सोचा कि आज मैं शूट कर दूँ क्योंकि वी नेवर नो अब आगे मुझे कब करने मिलेगा, क्योंकि थोड़े दिनों में इवेंट जो हमारा आने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। बाय द वे अगर आप सोच लो कि ये क्या लिखा है तो ये मेरी मैम ने एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट लिखा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस। आप लोग आजमा सकते हो, ये डेस्क पे नहीं है, आज ऑफिस नहीं आया है, बट इसने अपना लैपटॉप ओपन रखा है तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये ऑफिस आया है कि नहीं स्वाति, ऐसे तुम लोग कर सकते हो। सो गाइज, अभी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है क्योंकि मतलब मेरी मैम भी एक मीटिंग में गई है। सो आई कैन व्लॉग अ लिटिल बिट। नहीं तुम आ जाओ मेरे व्लॉग में, दिख रहा है तुमको मैं व्लॉग बना रही हूँ। इट्स ओके, यस। सो मतलब आई डोंट नो ऐसा कौन सा ऑफिस में होता है पर मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका था, कम्प्लीटली ख़राब भी नहीं हुआ था बट थोड़ा सा उसका अडेप्टर का इशू आया था। सो और वो थोड़ा हैवी था तो मुझे एक्चुअली मेरे ऑफिस वालों ने एक न्यू लैपटॉप गिफ्ट किया जो कि टच स्क्रीन है, जो कि लाइट वेट है, ठीक है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा लैपटॉप खराब हुआ तब जाके मुझे एक नया लैपटॉप मिला। कैसा चल रहा है काम सर? आप बताओ ना, काम अच्छा चल रहा है? सुपर्ब। हो जाएगा थर्सडे तक कब तक कल तक? ठीक है।
ऑलमोस्ट 130 गाइज एंड कॉन्स्टेंटली हम लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम हो रहा है. और जैसे कि स्नेहल नहीं है, उसका मैंने लैपटॉप ओपन किया है बट मैं भूल गई उसका पासवर्ड क्या था. सो उसके लैपटॉप से भी कुछ काम है अभी हम लोगों को, सो वो भी चल रहा है. थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन करवाने हैं मैम से, ये सब वो हैंडल करती थी बट बिकॉज शी इज़ नॉट देयर टुडे, सो आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स एंड आई एम डूइंग इट. बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो जाता है. सो फाइनली 1:45 को जोड़ा है एंड इट्स अवर लंच टाइम. थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब 1:30 तक हम नॉर्मली लंच करते हैं एंड मैंने लंच गरम करने आई थी ओवन में. सो आई थिंक गरम हो चुका है मेरा लंच एंड मैं आज दाल ढोकली लाई हूँ. मुझे बहुत पसंद है दाल ढोकली और गुजराती डिश है आई गेस दाल ढोकली राइस एंड यस. तो अभी हम लंच करने जाएंगे और एक्चुअल में हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि थापा है जो कुक है तो वो खाना भी बनाते हैं सबके लिए. तो चाइनीज़ बना हुआ है बट क्योंकि मैं दाल ढोकली लाई तो मैं वही खाऊंगी क्योंकि गुजराती में बटर मिल्क तो रहता ही है. मैं ग्लास लेने आई हूँ. एक्चुअल में जो कल का टिफ़िन था वो मैं भूल चुकी थी ऑफिस में, तो मेरी मम्मी ने मुझे उसी और में छाछ दिया है तो मुझे लेकर आना पड़ रहा है. ओह माय गॉड, कुछ भी लंच टाइम में भी यस ओपन योर दाल ढोकली. स्नेहल के लिए भी लाई थी पर मुझे पता नहीं था कि वो आज आने नहीं वाली है. सो ये एक्चुअल में हमारे ऑफिस में मिठाई आई थी तो मुझे मैंने सोचा मैं चॉकलेट वाला मिठाई लूँगी बट फिर मुझे पता चला वो चॉकलेट नहीं वो कुछ और ही है. सो हम लोग थोड़ा वो भी मिठाई मिठाई ब्रेक लिए थे. सो गाइस आरओसी ने लेटेस्ट इन्फॉर्म किया है सभी को, उनका नोटिफिकेशन आया है जिसमें अगर कंपनी रजिस्टर्ड यू नो मतलब उन्हीं आरओसी के पास पावर है कि वो कोई भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में विजिट कर सकता है एंड अगर उसको नहीं मिला वहाँ पे कंपनी या कंपनी में कोई काम करते हुए तो आरओसी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक ऑफ दैट कंपनी. वो सब हो जाने के बाद मैं वापस काम पे लग गई थी. एंड यू नो गाइस ये लैपटॉप मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि ये टच स्क्रीन है एंड ये 360 डिग्री फोल्ड होता है. मतलब यार क्या लैपटॉप मिला है मुझे, मैं मेरे को तो लैपटॉप से प्यार हो गया. ऐसा हो गया था कि यार मुझे और काम दो, मुझे लैपटॉप में और काम करना है. देख पा रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ा आईपैड जैसा भी हो जाता है ये. नहीं नहीं कल गणपति है मेरे घर पे, तो बोलो आज तो तीज भी होगा आपके घर पे. अरे आपने रखा नहीं पास, देखो ये हस्बैंड की गलत बात है. हस्बैंड्स लोग को तीज रखना चाहिए, बता फीलिंग हस्बैंड्स को तीज रखनी चाहिए कि नहीं. इस पे बनाओ बनाओ जल्दी से हस्बैंड्स. एक सेकंड आप संजय सर बताओ, हस्बैंड्स लोग को तीज रखनी चाहिए कि नहीं? रखनी चाहिए. आपने रखा है? नहीं वो से आप लोग मैं नहीं कर पाता हूं. लंच तो लाई हो साथ में नाचनी चिप्स का नाश्ता भी तीज के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस कर. वो भी लाया हूँ. यस इट्स ऑलमोस्ट 5 PM एंड लंच करने के बाद हम लोग कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे थे. अभी जस्ट हम लोग हमारा यू नो वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, अपडेट कर रहे हैं, सब डिटेल्स डाल रहे हैं. तो अगर आप लोग ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड वाले में जाओगे तो वेबसाइट में तो आपको सब डिटेल्स दिख भी जाएगी उसमें. वी आर डूइंग इट सून शॉर्टली, मतलब आज ही कंप्लीट भी कर लेंगे एंड थर्सडे तक प्लानिंग है कि जो हमारा टास्क है वो हम कर ले अचीव कर ले. सो उसी के लिए सब तैयारी चल रही है. सो शाम के 6 बज रहे हैं एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी मैं. सो नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर वर्क. हम लोग ऐसे ऑफिस में अगर यू नो नीचे वॉक करने आ सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हेडेक एंड ऑल. ये बहुत नॉर्मल है ऑफिस लाइफ, अगर आप जियोगे तो हेडेक ये सब तो होगा ही. और मुझे स्पेक्स भी है तो मुझे तो बहुत होता है ये सब इशू एंड इसलिए आई यूज़ टू कम डाउन एंड एवर वॉक. ऑब्वियसली काम वाम थोड़ा निपटा के ऐसे कभी भी नहीं आ जाते
सो वही वॉक करने आई हूँ एंड आई विल सी व्हाट कैन आई ईट बिकॉज आई एम फीलिंग हंगरी एज वेल एंड जैसे कि स्नेहल नहीं है वरना मैं स्नेहल के साथ आती थी आज मैं अकेली आ रही हूँ दो तीन वीक से बट अभी हम लोग दोनों सेवन तक मैं निकल जाऊंगी सो गाइस फाइनली इट्स अराउंड 7 o'clock जैसे मैंने कहा था एंड मैं अभी निकल रही हूँ तो एक्चुअली मुझे बीच रास्ते में स्नेहल को लैपटॉप भी देना है उसका लैपटॉप यहीं पे था कल हम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे ऑल्दो कल गणपति की छुट्टी है फिर भी तो उसका लैपटॉप मैं लेकर आई हूँ मेरा बैग बहुत ही ज़्यादा हैवी है साथ में टिफिन भी है And guys, finally after a tiring day, I am back home. मतलब ये मेरे बिल्डिंग का लिफ्ट है एंड मैं अभी जा रही हूँ घर पे सो यस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि हाउ इज़ अ हेक्टिक डे इन लाइफ ऑफ सी एस एंड जस्ट वेट फॉर द बिग अनाउंसमेंट क्योंकि वो भी बहुत जल्द आएगा